हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर फिर से बहुत स्वागत है। और रोज़ अगर एक ही तरह की सब्जी खा करके बोर हो गए हैं तो आज हम बनाएंगे एकदम नई तरीके की सिर्फ 7 से 8 मिनट में टेस्टी और चटपटी रेसिपी। तो चलिए इसे इंस्टेंट और झटपट से बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हम लेंगे 1 कटोरी और अब हम इसमें डालेंगे लगभग 3 से 4 चम्मच दही। दही यहाँ मैं घर का बना फ्रेश यूज़ कर रही हूँ। आप 1 से 2 दिन पुराना खट्टी दही का भी यूज़ कर सकते हैं। सिर्फ अगर आपकी ज़्यादा खट्टी दही हो तो आप उसमें 1/2 टीस्पून या 1/2 चम्मच चीनी ऐड कर दें, जिससे उसका खट्टा बैलेंस हो जाएगा। और अब हम इसमें डालेंगे 1 से 1.5 चम्मच धनिया की पाउडर। हम इसे घर के बेसिक मसाले से ही बनाएंगे, ये बहुत ही स्वादिष्ट बनेगी। और अब हम इसमें डालेंगे 1 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर। और अब हम इसे और भी टेस्टी और तीखा बनाने के लिए इसमें डालेंगे 1/4 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर। तीखा आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, और आप इसमें हरी मिर्च का भी यूज़ कर सकते हैं। और अब हम इसमें डालेंगे कलर के लिए 1 चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। इससे हमारी जो रेसिपी उसमें बहुत ही बढ़िया कलर आएगी। और 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर और इसमें 1 चम्मच कसूरी मेथी डालेंगे। और अब हम इन सभी मसालों को अच्छे से दही में मिक्स कर लेंगे, जिससे मसालों का फ्लेवर बहुत ही अच्छे से आएगी और दही में अच्छे से फूल जाएगी। और जब आप इस तरीके से इसकी रेसिपी बनाएंगे तो आपकी रेसिपी बहुत ही टेस्टी और चटपटी बनेगी। और अब आप देख सकते हैं, यहाँ मैंने चम्मच से मसालों को अच्छे से मिक्स कर लिया है और ये इसका बहुत ही गाढ़ा पेस्ट बन के तैयार हो गई है। तो अब हम चलिए एक पैन ले लेते हैं, गैस ऑन करेंगे और पैन को हाई फ्लेम पे अच्छे से गरम कर लेंगे। पैन हमारी गरम हो गई है तो हम इसमें 2 चम्मच सरसों का तेल डालेंगे। आप कोई सा भी कुकिंग ऑयल का यूज़ कर सकते हो, या फिर आप इसे बटर में भी बना सकते हैं, उससे भी ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगी। और ऑयल को भी हम पैन में डाल के इसे भी अच्छे से गरम होने देंगे। और अब हम इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून घी। घी डालकर हम इसे ऑयल में अच्छे से स्पैचुला से चलाते हुए मिक्स कर लेंगे, जिससे ऑयल और घी अच्छे से मिक्स हो जाएगी। और अब हमारा ऑयल भी अच्छे से गर्म हो गई है तो हम इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून जीरा और गैस का फ्लेम इस टाइम पे मीडियम कर देंगे, जिससे हमारे ऑयल जलेंगे नहीं। और अब आप देख सकते हैं हमारे जीरा अच्छे से क्रैक हो गए, तो हम इसमें डालेंगे 2 तेज़पत्ता। तेज़पत्ता डालकर हम इसे ऑयल में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसमें डालेंगे 1 चुटकी हींग। और अब हम इसमें डालेंगे 1 से 1.5 चम्मच बेसन। बेसन डालकर हम इसे भी तेल में अच्छे से चलाते हुए मिक्स कर लेंगे और इसे हल्का सा सुनहरा कलर आने तक हम इसे ऑयल में अच्छे से भून लेंगे। बेसन को भूनते हुए 1 मिनट हो गई है और इसका कच्चापन ख़त्म हो गया है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें 1 बारीक कटा हुआ प्याज डालेंगे। प्याज डाल करके हम प्याज को भी मीडियम फ्लेम पे ही अच्छे से बेसन के साथ मिक्स करते हुए इसे भी भून लेंगे, जिससे इसका कच्चापन ख़त्म हो जाएगी। और अब आप देख सकते हैं प्याज भी हमारे काफ़ी अच्छे से भून गए हैं और ये पैन भी छोड़ रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, इस टाइम पे हम इसमें 1 सूखी लाल मिर्च को इस तरीके से तोड़ के डालेंगे। आप चाहे तो तड़के में भी डाल सकते हैं। और अब हम इसमें 1/2 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। आप इसकी जगह कटे हुए अदरक और लहसुन भी ऐड कर सकते हैं। और पेस्ट डालकर हम इसे भी पैन में अच्छे से सभी इंग्रेडिएंट के साथ मिक्स करते हुए इसे भी हम 1 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे भून लेंगे। सभी इंग्रेडिएंट हमारे अच्छे से भून गए हैं तो अब हम क्या करेंगे, इस टाइम पे हम इसमें दही में मिक्स किए हुए मसाले डालेंगे। मसाले डाल करके गैस का फ्लेम हम इस टाइम पे हाई कर लेंगे। हमें 20 से 25 सेकंड के लिए गैस का फ्लेम हाई करेंगे और हाई फ्लेम पे हम मसालों को अच्छे से प्याज और बाकी इंग्रेडिएंट के साथ मिक्स करते हुए भून लेंगे, जब तक हमारी ग्रेवी गाढ़ी नहीं हो जाती। और अब आप देख सकते हैं यहाँ इसे भूनते हुए लगभग 1 से 1.5 मिनट हुआ है और ग्रेवी काफ़ी अच्छे से गाढ़ी हो गई है। तो हम इसमें 1 मीडियम साइज का बारीक कटा हुआ टमाटर डालेंगे। टमाटर डालकर हम इसे भी अच्छे से
पैन में सारे इंग्रेडिएंट के साथ मिक्स करते हुए भून लेंगे। और टमाटर हमारे जल्दी सॉफ्ट हो और गले, इसके लिए हम इसमें स्वाद अनुसार या एक चम्मच नमक डालेंगे। नमक डालकर हम ग्रेवी में नमक को फिर से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इस टाइम पे गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे, जिससे मसाले हमारे बिल्कुल जलेंगे नहीं और एकदम फ्लेवरफुल रहेंगे। और अब हम क्या करेंगे, मसाले हमारे काफ़ी अच्छे से, यहाँ मैंने इसे भून लिया है, तो हम इसे ढक करके 2 से 3 मिनट के लिए पकने देंगे। और जब तक हमारे मसाले पक रहे हैं, चलिए हम आगे का प्रोसेस देख लेते हैं। इसके लिए यहाँ मैंने 200 ग्राम पनीर ली हूँ। पनीर का यहाँ मैंने बड़ा सा क्यूब लिया है। और अब हम एक छोटा वाला ग्रेटर लेंगे और ग्रेटर से पनीर को इस तरीके से हल्के से दबाते हुए ग्रेट कर लेंगे, जिससे पनीर के काफ़ी अच्छे से ग्रेट्स भी हो जाएंगे और इसके हल्के से चंक्स भी रहेंगे। और जो भी बड़े टुकड़े देख रहे हैं, हम उसे हाथों से ही अच्छे से दबाते हुए तोड़ लेंगे। और अब आप देख सकते हैं मसाले हमारे काफ़ी अच्छे से पक गए हैं और साइड से तेल भी छोड़ रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, इसे एक बार फिर से अच्छे से चला लेंगे। और दोस्तों, आपको पता नहीं है, मसालों से बहुत ही अच्छी सी और भीनी खुशबू आ रही है। और दोस्तों, अगर आपको मेरी रेसिपी और वीडियो अच्छी और हेल्पफुल लग रही हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। और अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे। पानी डाल करके हम इसे अच्छे से पैन में मिक्स करते हुए मसालों के साथ अच्छे से मिला लेंगे, जिससे हमारी जो ग्रेवी है और अच्छे से और बहुत ही फ्लेवरफुल लगेगी। और अब हम इसमें ग्रेट किए हुए या कद्दूकस किए हुए पनीर डालेंगे। पनीर डालकर हम इसे मसालों के साथ फिर से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब आप देख सकते हैं, हमारा सिर्फ 7 से 8 मिनट में बहुत ही लाजवाब और टेस्टी पनीर भुर्जी बन के तैयार हो गई है। और अब हम इसे एकदम ढाबा या रेस्टोरेंट स्टाइल फ्लेवरफुल बनाने के लिए इसमें 1/2 टीस्पून गरम मसाला ऐड करेंगे। गरम मसाला डाल करके हम पनीर भुर्जी में इसे अच्छे से चलाते हुए मिक्स कर लेंगे। और इस तरीके से बिना झंझट, बिना मेहनत के सिर्फ 7 से 8 मिनट में अमृतसरी ढाबा स्टाइल पनीर भुर्जी बन के तैयार हो गई है। हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे ढक कर 2 मिनट के लिए हम मीडियम फ्लेम पे और पकने देंगे, जिससे सारे मसालों का फ्लेवर पनीर में अंदर तक आएगी। और अब आप देख सकते हैं, 2 मिनट के बाद हमारी पनीर और सारे के सारे इंग्रेडिएंट अच्छे से पक गए हैं और पनीर भुर्जी अच्छे से तेल भी छोड़ रही है। तो हम क्या करेंगे, इसे अच्छे से फिर से पैन में चलाते हुए मिक्स कर लेंगे। और इस टाइम पे गैस का फ्लेम हम ऑफ कर देंगे। और अब हम इसमें 2 इस तरीके से हरी मिर्च डालेंगे। ये डालना ऑप्शनल है, अगर आपको रेस्टोरेंट वाला लुक चाहिए तो आप इसमें ज़रूर इसमें ऐड करें, जिससे आपकी जो पनीर भुर्जी है एकदम रेस्टोरेंट जैसी लगेगी। और अब हम इसके ऊपर कसूरी मेथी ऐड कर रहे हैं। आप इसकी जगह धनिया की पत्ती का भी यूज़ कर सकते हैं। और इसे हम अच्छे से पैन में ही ठंडा होने देंगे। और अब आप देख सकते हैं, हमारी अमृतसरी स्टाइल पनीर भुर्जी बनके तैयार हो गई है। तो आप इस तरीके से बनाएं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। और अब मैं इसे लच्छा पराठा के साथ सर्व करूँगी। आप इस तरीके से पनीर भुर्जी बना करके लच्छा पराठा के साथ इसे खाएं, ये बहुत ही लाजवाब और टेस्टी लगते हैं। और इसे बना करके आप बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं, बच्चों को भी ये बहुत पसंद आने वाली है। तो मिलती हूँ मैं आप सभी के साथ एक और नए और इजी रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।